फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट मिठाई लेकर आई हूँ। और ये वाली मिठाई 5 मिनटों में तैयार कर लीजिएगा। झटपट से बनने वाली मिठाई आई होप आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाएगी, ना घी, ना मावा, ना चाशनी, जल्द से बनने वाली ये मिठाई। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये मिठाई। इस मिठाई को बनाने के लिए नारियल का बुरादा लेंगे, 1 बाटी, जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। कोई भी ब्रांड का आप पाउडर दूध ले सकते हैं, सेम कटोरी से आधी कटोरी पाउडर दूध, और पीसी हुई चीनी 3 से 4 चम्मच लेंगे, और टूटी फूटी आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। 2 चुटकी हरी इलायची का पाउडर और थोड़ी सी दूध। एक बाउल लिया है, सबसे पहले हम डालेंगे नारियल का बुरादा 1 कटोरी, उसके बाद सेम कटोरी से आधी कटोरी पाउडर दूध, दोनों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसके बाद 2 चुटकी इलायची, हरी इलायची, और 4 चम्मच पीसी हुई चीनी। चीनी आप ज़्यादा ना डालें क्योंकि पाउडर दूध मीठा होता है, आप 4 चम्मच चाहे 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। कुछ टूटी फूटी हमने इसमें टूटी फूटी डाला है, आप कोई भी अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। 1 चम्मच के करीब दूध डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। एक से 2 चम्मच ही दूध डालेंगे, फिर थोड़ी सी दूध डाल के हम इसमें मिलाएंगे। एक बार आप ज़्यादा दूध इसमें ना डालें, 1 से 2 चम्मच ही दूध डालें और इसे अच्छी तरीके से मिलाएं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये इकट्ठा हो रहा है, इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी से हो रही है। हम इस तरह से करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारी ये बाइंडिंग हो चुकी है, आप इसे कोई भी शेप की मिठाई बना सकते हैं। हम इसकी स्क्वायर शेप की मिठाई बनाएंगे। अगर आप इसमें थोड़ी सी दूध ज़्यादा हो गई है तो आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाल सकते हैं। इसके एक शेप दे देते हैं, ये इस तरह से करके हम इसे स्क्वायर शेप में कर देंगे। देखिए हमारी शेप हो चुकी। अब एक फॉइल पेपर में लपेट कर इस तरह से करके इसे रख देंगे, और इस तरह से फॉइल पेपर में लपेट के आधे घंटे के लिए हम फ्रीजर में इसे डाल देंगे सेट होने के लिए। अब इसे हम फ्रीजर में डाल देते हैं आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। आधा घंटा हो गए हैं, अब हम मिठाई को फ्रिज से निकाल दिए हैं। फ्रिज से निकालने के बाद इसके फॉइल पेपर को हम इससे अलग कर देंगे निकाल कर। देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसे साइड से काट दे रहे हैं इस तरह से करके। सबसे पहले साइड से थोड़ी सी हम काट के इसे अलग कर देंगे। अब मिठाई को हम जिस आकार में भी आप शेप देना चाहते हैं उस आकार में इस तरह से करके इसे काट लीजिए। ऊपर से हम इसे गार्निश कर देंगे इस तरह से करके। मिठाई देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी मिठाई थोड़ी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।